पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही बरसात ने यूपी के कई शहरों को कर दिया पानी पानी। ये वीडियो आप गोरखपुर शहर का देख रहे हैं, जहां दो दिनों की बरसात में गोरखपुर शहर हो गया है जलमग्न। शहर के आउटस्कर्ट में घर तक जाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। मजदूरी करने वाले लोग भी काम बंद होने की वजह से अब मछलियाँ पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से यूपी के कई जिलों में भारी बरसात हो रही थी, लेकिन गोरखपुर में लोग उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे थे। लोगों की बेहाली का आलम यह था कि लोग गर्मी की वजह से एसी और कूलरों का सहारा ले रहे थे, लेकिन पिछले दो दिनों से हो रही शहर में बरसात ने लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाई। लेकिन वहीं इस बरसात की वजह से गोरखपुर के कई मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। गोरखपुर का शास्त्री चौक हो, चाहे शास्त्री नगर या फिर जिला अस्पताल या गोलघर, हर जगह जल जमाव की स्थिति है। आपको बता दें कि शहर के कई हिस्सों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। गोलघर, घोष कंपनी, विजय चौक, सिविल लाइन जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस समस्या ने लोगों के उत्साह को कम नहीं किया। शहर के प्रमुख चौराहे पर लोग सुबह सुबह छाता लेकर घूमते नजर आए, तो कुछ बिना छाते के ही बारिश का आनंद ले रहे थे। कई जगहों पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने बारिश में भीगते हुए मौसम का जश्न मनाया। आपको बता दें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मोहल्ला बिछिया जंगल तुलसीराम वार्ड नंबर 23 का है। वहाँ जब यूपी न्यूज़ 9 का टीम जायजा लेने पहुँचा तो नाव से लोग अपने घर जाते हुए दिखाई दिए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि क्या करें, आसपास जल जमाव हो गया है, रास्ता डूब गया है, आने जाने में दिक्कत है और काम के सिलसिले में घर से तो बाहर निकलना ही है, इसलिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये नाव जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई है। यह स्थानीय लोगों के काम आ रही है, जिसका सहारा लेकर लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं। उसी में कुछ लोग मछली मारने का भी काम कर रहे हैं, ताकि उनकी जीविका चलती रहे। सर, हम तो आते हैं सामान लेने आए हैं, देखें नाव पर हम चढ़ करके आए हैं, किराना दुकान में सामान लेकर जा रहा हूँ। तो कैसे जाएंगे फिर? फिर नाव से नहीं जाएंगे सर। नाव से सर, यानी पानी आपके आसपास लगा हुआ है? एकदम सर, आप आकर देख लीजिए सर कि पानी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, कहने से नहीं होगा सर। तो एक दिन की बरसात में यह हालत है जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो क्या कहना चाहिए, इसका निराकरण होना चाहिए सर। और क्या है? जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो मेरा घर है, ये देख रहे हैं वो मेरा घर है, और इसी नाव से बैठ के चप्पल पहन के पैर मोड़ के और उसके बाद जाना पड़ता है, कम से कम यानी जंगे बराबर पानी मिलेगा। तो ये स्थिति कब से है आपके? ये तो आज में कई साल से चला रहा है, और साल ही होता है, बारिश के समय यही रहता है, सूखे में लगता है कि हाँ हम शहर में। अभी आप लोग कैसे आ जा रहे हैं वहाँ तक? बस वही नाव के सहारा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।